9 न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूँ किरण यादव। आज की इस रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश को लेकर। देखिए, दो दिन पहले जो गोला गोकर्णनाथ सीट पर उपचुनाव हुए, उसके बाद लगातार राजनीति गरमाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की तरफ के बीच में यहाँ पर बड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा था और जिस तरीके से मतदाताओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया वो भी हमने देखा। और अब बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उन्हीं की जीत होगी, तो वहीं अखिलेश यादव की तरफ से भी यही दावा किया जा रहा है कि गोला गोकर्णनाथ सीट पर उन्हीं की जीत होगी। देखिए, बसपा और कांग्रेस ने अपना वहां पर कोई उम्मीदवार नहीं उतारा। अब बड़ी चुनौती, ये बड़ा मुकाबला समाजवादी पार्टी और बीजेपी में देखने को मिल रहा है। अब ऐसे में इसी मुद्दे पर मैं अपने साथी पीयूष से एक सवाल करना चाहूंगी, आपको क्या लगता है कि गोला गोकर्णनाथ सीट पर किसकी जीत और किसकी हार? देखिए, यहाँ पे अगर बात करें पिछली राजनीति की, तो देखिए पिछले टर्म में अरविंद गिरी वहां से विधायक थे और उसके बाद अगर विधायक की बात करें तो काफी टाइम से जीत रही है, यानी कि एक बार जीते, लगातार जीतते आ रहे हैं वो, तो इसलिए देखिए। और उनके बेटे को फिर देखिए भाजपा ने टिकट दिया, तो ऐसा लग रहा है अगर जीत का देखा जाए, वहाँ पे हिस्ट्री देखी जाए जीत की, तो यहाँ पे बीजेपी ही देखिए थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट दिखाई दे रही है। लेकिन अब बात है, यहाँ पे अरविंद गिरी नहीं है, अमन गिरी है। अब जनता का जो मोह था वो था अरविंद गिरी से ज्यादा, उनके बेटे से था या नहीं था वो तो 6 तारीख को, यानी कि कल पता चलेगा। लेकिन हाँ, अब सपा जैसे कह रही है, सपा बोल रही है कि भैया अरविंद गिरी ने जो काम करे थे उसको पलट अब सपा को वोट ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि अरविंद गिरी बाहुबली नेता थे, कुछ लोग उनसे नाराज थे। ब्राह्मण और कुर्मी वोट बैंक जो है वहां पे निर्णायक रहता है, और ब्राह्मण और कुर्मी जो है वो इस बार सपा ने जैसे बताया कि विनय तिवारी के साथ, यानी कि के साथ थे, तो अब ऐसा हो सकता है कि बीजेपी को बहुत टाइम बाद इस सीट पे मात मिल सकती है। लेकिन देखिए, हम कयास और अटकली लगा सकते हैं, आने वाला कल जो होगा यानी कि 6 तारीख होगी, वही बताएगा कि भैया क्या असली चुनाव था। तो अब ऐसे में पीयूष की तरफ से कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ सकता है। 6 नवंबर को पता लगेगा कि आखिरकार गोला गोकर्णनाथ सीट पर किसकी जीत हुई, किसकी हार हुई। बस आज का दिन बचा है और कल हमें पता लग जाएगा। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़। धन्यवाद।